नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रोडक्शन में। दोस्तों मैं आप जो मैच कवर करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल वुमेंस T20 का मैच नंबर 26, जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा ARC वुमेन वर्सेस KC वुमेन्स टीम्स के बीच। डिप्लेंस क्रिंग इस वीडियो में फुल स्ट्रेस प्रेजेंट पो। दोनों टीमों के एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार किसी के फोन में लिंक वर्क नहीं करता, तो गूगल पर जाकर सर्च करें @realfwp। एक्जैक्टली अपने गूगल पर ही सर्च करना होगा। जब आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही contact@realfwp लिख के आएगा, उसी में क्लिक कर दीजिएगा, डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा। नीचे ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जो बेस्ट मैटर है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर से क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आप इजी ज्वाइन कर पाएंगे। तो पहले लिंक से ज्वाइन करिएगा, जब लिंक वर्क नहीं करता तो फिर गूगल का सहारा लेकर ज्वाइन करिए। बात करें दोस्तों मैच की, तो मैच दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है बंगाल क्रिकेट अकेडमी कल्याणी वेस्ट बंगाल के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों यहाँ के विकेट की, तो ओवरऑल विकेट बैलेंस है। बॉलर्स को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, जो स्पिनर्स हैं पेसर्स को उतना ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। जो फर्स्ट इनिंग के पेसर्स होते हैं बस वही थोड़ा सा फर्क डाल पा रहे हैं, डेथ ओवर में आगे विकेट निकाल ले रहे हैं। बाकी वुमेंस के मैच में जनरली होता क्या है, पेसर्स को लोग डिफेंस करके निकाल देते हैं, लेकिन जो स्पिनर्स होते हैं वो हमेशा गेम में बने रहते हैं। उनका बॉल टर्न भी होता है और स्पिनर्स का बॉल स्लो होता है, तो लोग अटैक करने के लिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। 100 से 120 के बीच आपको स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। ARC में उनकी बात करेंगे, बहुत ही बेकार टूर्नामेंट गया है। 8 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल के बाद 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए देखेंगे BR विनीता और सृष्टि मंडल। बात करें दोस्तों विनीता की, लास्ट गेम में 38 किए थे, बॉलिंग नहीं कराई उससे पहले 18, और यहाँ पे ठीक ठाक स्कोरिंग था। आप देख सकते हैं 10-15 के बीच में स्कोरिंग करती रही, और बॉलिंग भी हर मैच में ऑलमोस्ट इन्होंने 2-3 ओवर डाले हुए हैं। 2-3 ओवर की करती हैं, 4 ओवर की बॉलिंग नहीं कराती, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने 1 भी ओवर की बॉलिंग नहीं की। और एक चीज़ देखी, लास्ट के 2 मैच से सिर्फ 1 ही ओवर बॉलिंग कर रही थी, तो मतलब बॉलिंग कराएंगे भी नहीं, कराएंगे तो 1-2 ओवर ही कराएंगे, ये अपने ध्यान रखना है। तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर रखिए, CBC मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है बॉलिंग ना भी करे। इनके साथ ओपन करने हैं सृष्टि मंडल। शुरू में कुछ खास टच में नहीं थे, लेकिन लास्ट के 2-3 गेम से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट गेम में 3 ओवर बॉलिंग की थी, 1 विकेट निकाला, 13 ओवर दिए, 13 रन का स्कोर किया, उसके पहले 0, उसके पहले 69 रन का स्कोर किया, उसके पहले 11। यानी आखिरी के दिन आप 4 मैच उठा देखें तो 2 ओवर, फिर यहाँ पे 2 मैच में बॉलिंग नहीं करी, लास्ट मैच में 3 ओवर, तो आखिरी के 4 गेम के अंदर 5 ओवर की बॉलिंग करी हुई है। लास्ट मैच में 3 ओवर कंप्लीट किए थे, और सबसे बड़ी बात बैटिंग से भी एक अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से बैटिंग सेशन से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे, आप जरूर ट्राई करिए। बात करें दोस्तों पे हर्षिता निलाद्री बसु की, विकेट कीपिंग सेशन आप इनको ट्राई कर सकते हो। लास्ट गेम भी 29 किए थे, उसके बोले 17-22 और यहाँ पे 30 है, मतलब वही 15-20 रन के बीच स्कोरिंग कर देती हैं, प्लस कैचिंग और स्टंपिंग से पॉइंट दे सकती हैं, तो ठीक ठाक पिक रहेगी, जरूर जा सकते हैं। बात करें दोस्तों प्रतिभा राणा की, राइट हैंड बैट्समैन है, लेग स्पिन कराती हैं और बीच बीच में 2-2, 3-3 ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, बैटिंग से अच्छे टच में लग रही है। लास्ट गेम में 31 किए थे, उसके पहले 35, 20, 28, 44, मतलब बैटिंग से अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ टूर्नामेंट में, 4-5 इनिंग अच्छी खेली हुई, लेकिन बॉलिंग सिर्फ 2 ओवर ही डालती हैं, 2 या 3 ओवर, तो ठीक ठाक पिक रहेंगे। एज ए प्लेयर ट्राई करिए, CBCCL में ट्राई करिएगा। जूमिया खातीन बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं। लास्ट गेम भी लगभग 4 ओवर डाले, विकेट लेने में सफल रहे, उसके पहले 36 किए थे, 3 ओवर डाल के 0 विकेट, उसके पहले 2 विकेट, फिर 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, ऑलमोस्ट 1-2 मैच को छोड़ दिया था, तो हर मैच में विकेट निकाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शुरू में 22, फिर 21, फिर यहाँ पे कूद गए 36, तो मतलब यहाँ पे 19, तो वही 20-25 रन आपको इजली करके बैटिंग से भी दे सकती हैं, प्लस 1-2 विकेट इजली निकाल सकती हैं, 4 ओवर डाला तो मस्ट पिक है, कैप्टनसी के सेफ ऑप्शन रहेंगे। देवलेना समानता की बात करें, लास्ट के कुछ गेम से ज़्यादा ओवर डाल रहे हैं, आखिरी के 3 गेम यदि आप देखेंगे तो 4-3-4, मतलब अच्छा खासा ओवर करा रहे हैं, उसके पहले हालांकि ओवर कट हो रहा था। मीडियम पेस बॉलर है, बॉल फर्स्ट ओवर जरूर ले लीजिएगा। कोमल जायसवाल बॉलर अच्छी हैं, लेकिन अब बस यही है कि इनका ओवर वगैरह ज़्यादा मिल नहीं रहा, एक लास्ट मैच के लिए 1 ही ओवर डाला तो छोड़ दीजिएगा। कोयल सूत्राधार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है दोस्तों, ये शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, शुरू में 2 विकेट निकाला, 4 ओवर डाल के, उसके बाद 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो विकेट ज़्यादा नहीं मिला हुआ, लेकिन ओवर विकेट हो रहे हैं। लास्ट गेम में 2 ओवर डाला, उससे पहले 4 ओवर डाले, उससे पहले फिर 1 ओवर डाला, तो भाई इनका ओवर को समझ में नहीं आ रहा, GL के अंदर ही रोटेशन में रखिएगा। संचिता अधिकारी स्मॉलिंग में छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका भी कोई पता नहीं, कभी 3 ओवर कभी 2 ओवर, इनको भी छोड़ देना, अपने खातून को भी छोड़ दीजिएगा। मेगा घोष लास्ट के कुछ मैच से इनका भी ओवर बहुत ज़्यादा कट हो रहा है, टीम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है। लास्ट गेम में 1 ही ओवर डाला, उसके पहले 2 ओवर डाले, उसके पहले 3-3 ओवर डाल रही थी। बॉलर नो डाउट बहुत अच्छी बॉलर हैं और गुच्छों में विकेट लेती हैं, शुरू में देख सकते हैं यहाँ पे 2 विकेट निकाले, फिर यहाँ पे 2 विकेट निकाले, 2 मैच में 2-2 विकेट, कुछ मैच में 1-1 विकेट है, तो टोटल विकेट अच्छा लिया हो, बस इनके साथ यही प्रॉब्लम है कि इनका ओवर कट हो जाता है।
तो दोस्तों आपके सामने फोन से आप देख लीजिए कि एक प्लेयर के स्टेट्स एआरसी वुमेन्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर में आपको परफॉर्मेंस दिख रही। अब इनके बेंच में बात करें तो ये कुछ प्लेयर दिख सकते हैं आपको बेंच में, इनमें कोई खेलता है तो स्टेट्स आपको दे दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। अब दोस्तों हम सेकंड टीम की बात कर लेंगे केसी वुमेन्स की, लेकिन एक बार फिर बता दूं फाइनल अपडेट फाइनल टीम सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट ओपन किया हुआ मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आपने तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों हम यदि बात करें केसी वुमेन्स के, तो उन्हें 8 मैच खेले में 2 मैच में जीत हासिल किया, 6 मैच में इन्हें विहार का सामना करना पड़ा, तो दोनों टीमें लगभग बराबर हैं। द्वितीय पाल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे प्याली घोष के साथ। द्वितीय की बात करें कुछ खास बहुत अच्छा पहुंच नहीं रहा, एक ही मैच में 20 प्लस का स्कोर है, बाकी अंडर 20 आउट हुए हैं। कीपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैचिंग से पॉइंट दे सकते हैं, तो आपने जीएल को रोटेशन में यूज करना है। स्मॉल लीग में सामने वाली टीम को विकेट के ऊपर ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। प्याली घोष की बात करें राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं, अच्छे टच में लग रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब लगा लास्ट मैच में एक भी ओवर की बॉलिंग नहीं कराई गई। ओवरऑल बॉलिंग से अच्छा कर रही थी, उससे पहले वाले मैच में 4 ओवर डल के 2 विकेट निकाले थे, 4 ओवर डल के 1 विकेट, 4/0, 3/1, फिर 1 विकेट है, मतलब फिर शुरू में 1 विकेट, तो ऑलमोस्ट हर एक दो मैच के अंदर विकेट ले रही। और बैटिंग से कंट्रीब्यूशन देखें 26, 17, 18, 16, मतलब 15 से 20 रन ये बैटिंग से भी बना के दे रही, प्लस आपको 4 ओवर डाल के एक आध विकेट निकाल के दे रही, तो एक बढ़िया चॉइस थी। लेकिन पता नहीं लास्ट मैच में भी बॉलिंग नहीं मिली, तो आज आप प्लेयर रखिए सीबीसी मत बनाइएगा, बॉलिंग मोस्ट प्रॉबली करना चाहिए, भले ही लास्ट मैच में नहीं किया हो लेकिन बॉलिंग करेंगी। नीचे देखें सोमश्री भौमिक राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लास्ट गेम में 10 गए थे, 1 विकेट निकाला, 3 ओवर डाल के, उसके पहले 3, 6, 20 वही 15-20 रन बैटिंग से बना के दे सकती हैं, प्लस 2-3 ओवर की बॉलिंग कराएंगी, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लेते हैं, एक आध विकेट निकाल के दे सकती हैं, तो ठीक ठाक चॉइस रहेंगे, एज ए प्लेयर रख लीजिए। ममता किसको बैटिंग सेक्शन से अपने ट्राई करना है, स्टेट लेवल भी खेल चुकी हैं और अच्छी बैट्समैन भी है, जनरली 20 के आसपास स्कोरिंग करती हैं। यहाँ पे देखें 26, 18, 24, 21, 27, 5 मैच में अच्छा किया हुआ है 8 में से, तो अपने अपनी टीम एज ए प्लेयर बैटिंग सेक्शन से रख लेना है। गौर सुल्ताना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती हैं, बैटिंग से थोड़ा बहुत बैकअप देंगे, प्लस 3-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं ले पाई हैं, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट यहाँ मिला हुआ है और 2 विकेट यहाँ मिला हुआ, टोटल 3 ही विकेट अब तक टूर्नामेंट में मिला हुआ है गौर सुल्ताना को, लेकिन बैटिंग से भी अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए 19, 31 और यहाँ पर 13, 24, 14, मतलब वही 15-20 रन बैटिंग से भी दे देती हैं, प्लस एक आध विकेट मिल गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नीचे देखेंगे अनंदिता दास भी विकेट टेकिंग बॉलर है, स्पेशली बॉल पर विकेट से थोड़ा सा मदद होती है, पेस बॉलर है तो अच्छा विकेट निकालती है, शुरू में अच्छा विकेट निकाल लेते हैं, पहले मैच में 3 विकेट निकाले, उसको पहले 1 विकेट, 2 विकेट, शुरू के 3 मैच के अंदर 6 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन उसके बाद आखिरी के यदि आप इनके 5 मैच देखेंगे तो यहाँ पे 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, मतलब आखिरी के 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग नहीं रही, क्योंकि अभी स्पिनर्स को ही मदद है, पेसर्स को कुछ खास मोमेंट मिलता नहीं है, तो आपने क्या करना है बॉल फर्स्ट में जीएल के अंदर भी वगैरह ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में सिर्फ एज ए प्लेयर रखिएगा। बात करें दोस्तों प्रियोसी एच की, लेग स्पिनर है, 2-3 ओवर डाल के जाएगी, जीएल के अंदर जरूर ट्राई कर लीजिएगा, पॉल को छोड़ दीजिए, माझी को भी छोड़ दीजिए, अधिकारी को भी अपने सिर्फ जीएल में रोटेट करना है, स्मॉल लीग में भी रिस्क है, 1-2 ओवर ही डालती हैं, पंप असर कर तो अपने सीधे सीधे छोड़ ही देना है। मैच में कुछ प्लेयर दिख रहे हैं जिनमें कोई खेलता है तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे देख लीजिए केसी वुमेन्स का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर में आपको ये परफॉर्मेंस दिख सकती है। अब आफ्टर टॉस दोनों टीम मिलाने में जो कुछ चेंजेस होते हैं तो सारी अपडेट आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आपको जो फाइनल टीम मिलने वाला है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। तो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप आगे जल्दी से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट ओपन किया हुआ, लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार यदि किसी फोन में लिंक वर्क नहीं करता तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं @realfwp, एक्जैक्टली गूगल पे आपने यही सर्च करना है, जब आप सर्च करोगे तो फर्स्ट में ही आपको लिख के नजर आएगा सबसे ऊपर ही contact@realfwp, आप उसमें क्लिक कर दीजिएगा, वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट करके आपको टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा, नीचे ज्वाइन का बटन ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ये गूगल वाला मेथड उसे फॉलो करना है जिसके फोन में टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं कर रहा, लेकिन पहले तो अपने लिंक से ही ज्वाइन करना है, जिस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, लिंक से ज्वाइन करेंगे तो ईजिली ज्वाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें टीम क्या है, चलिए टीम देखते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेशन से मैंने ऐसे एस नीलाद्री बस को लिया हुआ है, इसके अलावा बैटिंग सेशन से मैंने एस मंडल, सृष्टि मंडल, वी वनीता और एस ममता किसको के साथ जा रहा हूँ, और अराउंड सेशन से मैंने प्रतिभा राणा, जुमिया खातून, गौहर सुल्ताना और आनंदिता नाथ को लिया हुआ है। बॉलिंग सेशन से मैंने डी समानता, एस सुब्रता भौमिक और एस पी घोष को अपनी टीम में रखा हुआ है। कैप्टन दोस्तों मैंने ऐसे जूमिया खातून किया हुआ, स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन है, 4 ओवर अपने कंफर्म कराएंगे प्लस मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे। वाइस कैप्टन में गौहर सुल्ताना, ये भी स्पिनर है, दोनों स्पिनर हैं और ये भी अपने 4 ओवर कंफर्म कराएंगे प्लस मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे। अब दोस्तों सी बी सी का जो ऑप्शन है आप आनंदिता नाथ और यहाँ से प्रतिभा राणा को ट्राई कर सकते हो, ये दो आपके पास ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के। बाकी जिसको रिस्क लेना है पी घोष को भी ट्राई कर सकता है, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की लेकिन उससे पहले 4 ओवर बॉलिंग करा रही थी प्लस ओपन कर रही थी, ओपन किया हुआ था लास्ट मैच में भी लेकिन बॉलिंग नहीं करी, बस ये थोड़ा रिस्क है, उससे पहले 4 ओवर पूरा कर रहे थे। बाकी दोस्तों अभी के लिए हमारा स्मॉल लीग की टीम है ये, और यदि ये फाइनल टीम नहीं, इस मैच में यदि कुछ चेंजेस होते हैं इस टीम में तो फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और दोस्तों टीम प्रो भी मैंने आपको प्ले स्पॉट एप्लीकेशन पर दिखाया, इसका जो पॉइंट सिस्टम और क्रेडिट है सेम सपना 11 एप्लीकेशन के जैसे है, तो आप चाहें तो सेम टीम यूज कर सकते हो। फिर आप जिस भी फैंटेसी में खेल रहे हैं यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा टीम यही है, आफ्टर टॉस में इसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो फाइनल टीम टेलीग्राम मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों ये प्लेयर स्पॉट एप्लीकेशन यदि आप लोग इसमें खेलना चाहें तो इसका लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जब आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेयर स्पॉट का, आप साइनअप कर सकते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।